देखो प्रीत, ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इस जॉब के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ बताइए ना सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस जॉब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुड, इस जॉब के लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, समझ रही हो? खुश करना पड़ेगा, ठीक है सर, मैं आपको खुश कर दूंगी, लेकिन आपको खुश करने की कीमत थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। आप मुझे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दे दें तो मैं आपको खुश करने के बारे में सोचूंगी। I like your confidence. मैं तुम्हें इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की तो क्या, मैनेजर की पोस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ सर, आप बताइए ना कि मुझे क्या करना होगा, बस ये बताइए आप। क्या करना होगा ये शायद तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा, बट हाँ रही बात कब करना है तो आई विल लेट यू नो। कब की बात तो रहने दीजिए सर, अभी यहाँ मौका भी है और मैं रेडी भी हूँ, तो यही कर लेते हैं। वो क्या है ना कि अभी आप इंटरव्यू देने आए हैं ना, तो इंटरव्यू पे ध्यान देते हैं, वैसे भी ये सब तो चलता ही रहेगा। अच्छा बाय द वे प्रीत, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगी? ऑब्वियसली सर, जब मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ, आपकी सब डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ, तो ये जॉब तो मुझे ही मिलनी चाहिए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ठीक है प्रीत, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम बाहर वेट करो। ओके सर। नेक्स्ट। मैं सीट सर? या प्लीज। थैंक यू सर। एंड सर ये मेरी फाइल है जिसमें मेरे क्वालिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस के सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख सकते हैं। प्लीज मिस नीलम, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपने पास रखिए, मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए जिसके बदले में आपको ये जॉब मिले। एक चीज सर, मतलब मैं समझी नहीं कुछ। मतलब ये कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। खुश करना पड़ेगा सर, आप कहना क्या चाहते हैं? ओहो, तुम्हें भी समझाना कितना मुश्किल है। देखो मिस नीलम, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जितने लोगों को भी जॉब मिलती है उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन स्किल से जॉब मिलती है? नहीं, उनको भी कुछ ना कुछ जॉब के लिए करना पड़ता है, तो अगर तुम्हें भी ये जॉब चाहिए तो मुझे खुश तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर तुम मुझे खुश कर पाई ना तो तुम्हें मैं असिस्टेंट मैनेजर तो क्या, उससे भी ऊंची पोस्ट दे दूँ। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस कंपनी में ना जॉब मांगने आई हूँ, ये सब करने नहीं। और रही इस हाई पोस्ट की बात, तो इसका लालच है ना आप किसी और को देना, क्योंकि अपनी मेहनत और स्किल्स के भाव पे ना मैं ये पोस्ट खुद हासिल कर लूँगा। आई एम श्योर मिस नीलम, आप ये सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है? मिस नीलम, अगर आपने ये सैक्रिफाइस किया ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यस सर, आई एम वेरी श्योर। एंड वैसे भी मुझे ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए भी नहीं जहाँ का बॉस ऐसी डिमांड करता हो, और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं, खैर छोड़िए। मिस नीलम। यस। यू आर सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। बट कैसे, मैंने तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करा ही नहीं है। वो क्या है ना मिस नीलम, आजकल क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बेहाफ पे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, लेकिन ऑनेस्ट एम्प्लॉय ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो ये मेरा तरीका था अपनी कंपनी में ऑनेस्ट एम्प्लॉयज को सर्च करने का। सो यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सर। एंड जस्ट अ मिनट, हरप्रीत। यस सर, क्या मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ? यू आर रिजेक्टेड। पर क्यों सर, मैंने तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था, इनफैक्ट आपने जो कहा मैं करने को तैयार थी। दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड। जब मैं तुम्हें प्रपोजल दे रहा था तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, और खासकर मैं अपनी कंपनी के लिए ऐसा एम्प्लॉय सेलेक्ट नहीं कर सकता जो एक पोस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यू कैन लीव नाउ। बट सर मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। नो मोर आर्गुमेंट्स प्लीज। You can go now. And Miss Neelam, you are selected for assistant manager post. Please sit.